का दिन जो हम मना रहे हैं विरोध दिवस के रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये धरना की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि कुछ अधिकार हमारे छीन लिए गए। एक छोटा सा और महत्वपूर्ण 1989 के अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में परिवर्तन किया गया। पहले क्या था कि कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति, महिला, बच्चा, किसी भी प्रकार से अगर उसको उत्पीड़ित किया गया है, उसका सामाजिक आर्थिक शोषण किया गया है, उसको कहीं गाली गलौज किया गया है, उसको अपमानित तरीके से बोला गया है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, या उसकी डिमांड है कि उसको कोर्ट से न्याय नहीं मिला, उसको किसी पुलिस वाले ने उसकी FIR नहीं की, किसी अधिकारी ने उसके आवेदन पत्र पर कार्रवाई नहीं की, तो उससे कोर्ट में जवाब मांगा जा सकता था, उससे प्रशासन पूछ सकता था कि उसने ये कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन अब एक बदलाव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये केस फाइल किया गया किसी अधिवक्ता के द्वारा। क्या है कि मुझे उत्पीड़ित किया गया और उसमें जो है आगे किसी भी केस के अंदर जांच FIR होने से पहले एक जांच जरूरी होनी चाहिए। अरे भाई, जब किसी थाने में FIR लिखी जाती है तो जांच पहले नहीं होती। प्रशासन में हम अपनी बात कहते हैं तो उसमें जांच नहीं, कार्रवाई होती है। लेकिन हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और सरकार ने जो मौन धारण किया है, सरकार ने अपना कोई भी सॉलिसिटर जनरल या अपना रिप्रेजेंटेशन या किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुप्रीम कोर्ट में भेजा ही नहीं। इससे उस सरकार की, मोदी सरकार की मानसिकता झलकती है कि वो नहीं चाहती थी कि दलितों को जो संरक्षण प्राप्त है उसको बरकरार रखा जाए। यही मोदी सरकार ने अपने एक आदमी से पिटीशन करवाई और उसको प्रोटेक्ट नहीं किया सरकारी कानून को। इसलिए जो नियम अनुसूचित जनजाति के 1989 के एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो सिर्फ एक तरफा बात सुनकर ही आया है। इसलिए हमारे संगठन ने, दलित शोषण मुक्ति मंच ने यह तय किया है कि वो इसके खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। और हरे साथी कामरेड नस्तु प्रसाद और उनकी टीम इस कार्य में लगी हुई है। उसके साथ ही हमने यह भी तय किया कि सरकार की जो गतिविधियां हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, अपने पोस्टरों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर रामविलास पासवान सामाजिक न्याय मंत्री 1989 में जो कह रहे थे कि मैं चिराग जलाने वहां चला हूं जहां पर सदियों से अंधेरा है, आज उसी कानून को जब वो केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र की सरकार सोकर उस कानून को इनेक्ट करा रही है, उसे निष्क्रिय करार दे दिया गया है, तो उसकी कोई कीमत उस कानून की नहीं रह गई है। क्यों? कानून कागज में लिखा हुआ अपने आप कुछ नहीं करता। कानून कागज का पुतला है,
लेकिन कानून पर कार्रवाई करने के लिए सदनीयत के आदमी कार्रवाई करने के लिए होने चाहिए। क्या तमाम जिलों के अंदर जो कानून बना है इसी एक्ट के तहत कि दलितों के लिए अलग से एक अदालत होनी चाहिए, क्या वो हर जिले के अंदर है पूरे देश के अंदर? नहीं है साथियों। दलितों के लिए जो बजट के अंदर जो आवंटन किया गया उसको भी जो है कम कर दिया गया। हमारी 70% की आबादी और बजट मात्र 2.5%, तो यही सरकार की नीयत को दिखाता है। जब हर सीट पर जितने राज्यपाल हैं सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक, जितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक, जितने डीएम और एसएसपी हैं सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगर पोषक रहेंगे तो इस दलितों की इस देश में कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि नीयत सही होगी तभी तो काम होगा। अगर सरकार की ही नीयत खराब है, उसकी मशीनरी की नीयत खराब है, तो दलितों को न्याय प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए दलितों को समझ लेना चाहिए कि हम भ्रम में ना रहें कि कोई बदनीयत वाले लोग अंबेडकर का झंडा भी उठाएंगे, सर माथों पे भी बिठाएंगे, लेकिन उनके दिए गए निर्देश, उनके बनाए हुए कानून, उनके चाहने वाली हमारी सामाजिक व्यवस्था को वो बनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो हमारे समाजों को धोखा दे रहे हैं, वो दलित समाज को धोखा दे रहे हैं, वो राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं। और यही धोखेबाज लोग आज हमारे रहनुमा बनकर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इसलिए हमें इनसे कोई उम्मीद न कल थी, न आज है, न भविष्य में होगी। हमें अपने कारवां को खुद ही मजबूत करना पड़ेगा और अपनी बातों को अपने दलित बस्तियों में हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, ताकि दलितों की जो आबादी है उसको सही और गलत में फर्क नजर आए। नीला झंडा उठाने वाला हर कोई दलित तो हो सकता है, लेकिन दलितों का सही रहनुमा हो ये नहीं हो सकता।